सक्रियता के चलते बड़ी घटना घटित होने से बच गई। बदमाशों से फायर आर्म्स, धारदार फलिया, डंडे, गृह भेदन की औजार, पिकअप वाहन व मोटरसाइकिल जब्त की गई है। धार जिले के डही थाना अंतर्गत बीती रात थाना प्रभारी डही प्रकाश सारोदे को मुखबिर सूचना मिली कि आराडा रोड टेमरिया बायड़ी पर 4-5 लोग हथियार से लेस होकर पिकअप वाहन मोटरसाइकिल में आकर बैठे हैं और डही में सुनार की दुकान पर डाका डालने की योजना बना रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बकलवार, एसडीओपी कुच्ची सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में दो टीमें गठित कर बदमाशों की धार पकड़ हेतु रवाना होकर आराडा रोड टिमरिया बायड़ी पर पहुंचे, जहां 5 व्यक्ति डही में सोना चांदी की दुकान पर डकैती डालने की योजना बनाते हुए हथियारों से लैस मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों में दिनेश पिता महेश सिंह भील, उम्र 26 वर्ष, ग्राम देवदा थानाबाग से 1 12 बोर देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस। दूसरे आरोपी रूबा पिता भेरू अनारे, जाति भील, उम्र 20, निवासी ग्राम देवदा थानाबाग से तेज धारदार लोहे का फलिया। प्रेम सिंह पिता कालू, जाति भील, उम्र 25, निवासी देवदा थानाबाग से रितेश पिता हरिभावर, निवासी देवदा थानाबाग से लोडिंग पिकअप। पीड़ू पिता जावर सिंह, जाति भील, उम्र 30, निवासी गोटिया देव डावरपुरा थानाबाग से धारदार लोहे का फलिया व एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण 772/2023 धारा 399, 402 भागा वी 25 बी 25 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है तथा आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त किए जा रहे हैं। आरोपी दिनेश भील थाना मानावर के अपराधों में फरार होकर स्थायी वारंटी है। आरोपियों को न्यायालय कुच्छी पेश कर पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। टीम में थाना प्रभारी प्रकाश सारोदे सहित पूरे स्टाफ का विशेष योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक धार द्वारा टीम को नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये कल रात को मेरे विश्वसनीय मुखबिर द्वारा मुझे सूचना मिली थी कि ग्राम अराड़ा रोड पर टेमरिया के बैड़ी पर कुछ बदमाश एक पिकअप और मोटरसाइकिल के साथ आए हुए और बैड़ी पे डही में किसी सुनार की दुकान पर डकैती डालने की योजना बना रहे। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह साहब, एडिशनल एसपी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह सर और एसडीओपी कुक्षी श्री गुप्ता सर के मार्गदर्शन में दो टीम गठित की गई और तत्काल हम लोग मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे, जहां हमने पाया कि एक लोडिंग पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल के पास में 5 लोग बैठकर बियर पी रहे थे और उनके द्वारा डही में एक सुनार की दुकान पर डकैती की योजना बनाई जा रही थी। सूचना सही पाने पर दोनों टीमों द्वारा दबिश देकर 5 लोगों को पकड़ा, जिसमें दिनेश जो ग्राम देवधा थाना बाग का है, जिसके विरुद्ध मनावर थाने में भी प्रकरण पंजीबद्ध है और वहां का स्थायी वारंटी भी है। उसके पास से 1 12 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले। आरोपी पीड़ू के पास से, जो वो भी उसी गांव का रहने वाला है थाना बाग का ही, उसके पास से फालिया मिला है। आरोपी रुग्गा के पास से एक धारदार फालिया मिला है और आरोपी तेनसिंह के पास से एक लठ मिला है और रितेश जो उसकी लोडिंग पिकअप में इनको लेके आया था और पीड़ू उसकी मोटरसाइकिल से आया था, दोनों वाहन करीब कीमती 5 लाख रुपए पुलिस ने जब्त किए। इनके पास से नकबजनी के उपकरण, जिनसे ये शटर और सुने मकान के ताले तोड़ते थे, वो भी मिले हमें। मिर्च पाउडर और मौके पर बियर वगैरह भी हमारे द्वारा पी रहे थे, वो जब्त की गई है। आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है कुक्षी में, जहां से उनका पुलिस रिमांड प्राप्त किया जा रहा है।